भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस देश की अधिकतर आबादी गांवों में रहती है और खेती ही उनका प्रमुख व्यवसाय होता है। वहीं दुर्भाग्य का विषय यह है कि आजादी के इतने वर्ष बाद भी आज किसानों की हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है दोस्तों। तो आज किसान गरीब का गरीब ही रह जाता है और पूरा उसका जीवन गरीबी में कट जाता है। खेती किसानी के विषय में सही जानकारी का अभाव इस पिछड़ेपन का एक अहम कारण है दोस्तों। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे इस विषय पर जो आपके कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने की ओर बढ़ाएगी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किसान बंधु किस प्रकार से अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं और लागत को कम कर सकते हैं। तो मुनाफा अधिक करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि उत्पादन को बढ़ाना और दूसरा तरीका है लागत को घटाना दोस्तों। तो खेती किसानी की जो मुख्य लागत होती है वो बीज की होती है, कीटनाशक की होती है, खाद की होती है, उर्वरक की होती है और इन सबको खरीदने में उसकी लागत लग जाती है। ऐसे में इसकी लागत कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि किसान इन सब महंगे महंगे जो प्रोडक्ट होते हैं उन सबसे सस्ते विकल्प तलाशना शुरू करें। हालांकि इसमें हम यह ध्यान जरूर रखना चाहिए कि क्वालिटी के साथ हमें कोई समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी की अनदेखी अगर हम करेंगे तो उत्पादन में कहीं ना कहीं हमारे कमी आ जाएगी जिससे हमें हानि हो सकती है। और बात हम वही कर रहे हैं कि हमको जो है उत्पादन अधिक करना है और लागत कैसे कम करना है। तो हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं इस बात की और कैसे हम काम शुरू करें, तो अपनाएंगे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती। यूं तो भारत में काफी पुराने समय से चली आ रही है परंतु बीते कुछ दशकों में बढ़ते औद्योगीकरण के कारण लोग इस पुराने तरीके को भूल चुके हैं दोस्तों। तो हम इस पुराने तरीके को आपको फिर से याद दिलाना चाहेंगे। हालांकि अब खेती में इस्तेमाल होने वाले जो रसायनों के स्वास्थ्य और परीक्षण पर्यावरण पर होने वाले दुष्प्रभावों के कारण ऑर्गेनिक कृषि प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ चुकी है दोस्तों। और इस वजह से एक बार फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम किसानों का रुझान बढ़ाना होगा। तो जी हाँ दोस्तों, अब मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया ताकि आपको मैं इस ओर आपका रुझान बढ़ा सकूं, आपका ध्यान केंद्रित कर सकूं जिससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सके दोस्तों। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है, जैविक खेती जो होती है, उसका एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फसल उपजाने के लिए आपको रसायन रहित उत्पादों और तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से खेती से हमारे पर्यावरण को तो काफी लाभ होता ही है, जमीन भी उपजाऊ होती है हमारी धीरे धीरे करके, उसका जो है उर्वरक क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है और साथ ही इससे उपजने वाले जो अनाज होते हैं, सब्जी होती है या फल होते हैं, खाने वाली कोई भी जो चीज होती है, वो सेहत पर बुरा असर नहीं डालती है और आजकल लोग सेहत के प्रति काफी जागरूक हो गए हैं, इसलिए ऑर्गेनिक जो खेती का है, जो स्कोप है वो बढ़ गया है। तो जैविक खेती की ओर ज्यादा लोग रुझान लेने लगे हैं। तो जरूरत है हमें थोड़ी सी जागरूकता की। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी खुद की जैविक खाद बनाने से दोस्तों। तो बाजार की महंगी रसायन युक्त खाद के इस्तेमाल से अच्छा है कि आप अपने घर पर ही अपनी जैविक खाद बनाएं। बहुत ही प्राकृतिक तरीके से बिना किसी लागत के आसानी से तैयार की जा सकती है दोस्तों। तो गांव देहात में आसानी से उपलब्ध गोबर, पत्तों और केंचुओं को एक साथ रखकर आप यह खाद तैयार कर सकते हैं। इसे हम वर्मी कंपोस्ट के नाम से भी जानते हैं। यह खाद न सिर्फ मुफ्त की है बल्कि रासायनिक खाद से अधिक फायदेमंद भी है। आप यह खाद साथ ही किसानों को कम दामों में बेचकर उनकी मदद भी कर सकते हैं और आपकी एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हैं, आपकी अतिरिक्त आमदनी भी इससे हो सकती है दोस्तों। तो आप ये जो वर्मी कंपोस्ट है उसको बनाने का काम भी कर सकते हैं। बनाई जा सकती है आपके घर पे ही कीटनाशक। तो इसके लिए आपको इन सब चीजों की आवश्यकता होगी। ये सब चीजें हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो लागत कम आए, जो महंगे उत्पाद है बाजार से वो ना ले। तो गौमूत्र आप 20 लीटर लेंगे, नीम के पत्ते आप 2.5 किलो लेंगे और धतूरे के पत्ते आप 2.5 किलो लेंगे। सीताफल के पत्ते आपने देखे होंगे वो 2.5 किलो लेंगे और अर्क के पत्ते भी 2.5 किलो लेंगे और बेसन जो लगी रहती उसको भी आप 2.5 किलो लेंगे। लाल मिर्च का पाउडर 1 किलो लेंगे, तंबाकू का पाउडर 750 ग्राम लेंगे। आप इन सबको पीस कर उसे गौमूत्र के साथ आप उबालेंगे और फिर उसे ठंडा करके छान ले और बोतल में स्टोर कर ले। ये कभी खराब नहीं होगा और ना आपकी फसल को खराब होने देगा। ये लीजिए साहब, आपका कीटनाशक तैयार हो गया। तो ये कितनी कम लागत पे हो गया। तो जब भी आप इस कीटनाशक का छिड़काव करेंगे तो ध्यान रखें कि कीटनाशक की मात्रा का 20 गुना पानी,
जैसा कि हम अगर एक लीटर ये ले रहे तो 20 लीटर पानी और मिला ले, उसके बाद ही इसका हम जो है अपनी फसलों पर, फलों पर या सब्जियों पर जो है स्प्रे करें। तो यदि आप दुकानों से भी अगर खाद और कीटनाशक खरीद रहे हैं तो ध्यान रहे कि ये सब सामान लाइसेंसधारी दुकानों से ही आप खरीदें। तो जो है आप जो है अगर कीटनाशक अगर खरीदना बहुत जरूरी है, आप सबसे पहले तो ये ऑप्शन है आपके पास कि आप घर पे बना सकते हैं। कितनी आसान चीजें हैं, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि तंबाकू है, मिश्रम के पत्ते हैं, नीम के पत्ते हैं, गौमूत्र में, इन सबको जो है अच्छे से आपको उबालना है, फिर ठंडा करना, कितना आसान है। तो ये आपका खर्च बढ़ाएगा कीटनाशक खरीदने का। दूसरा आपका डीएपी, यूरिया और जो अन्य जो है उर्वरक जो आते हैं और जो हमें बाजार से बड़े महंगे मिलते हैं, उनकी जगह आप जो है आप वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं। वो बहुत गुना आपको फायदा दे सकता है। वो बस ये है कि धीरे धीरे वो आपको ग्रोथ देगा। एकदम से आप जो है रसायन से सीधा अगर आप जैविक पे आते हैं तो थोड़ा सा आपका उत्पादन पर फर्क पड़ता है, लेकिन आप धीरे धीरे करके अगर करेंगे तो आप बहुत अच्छे स्तर पर पहुंचेंगे। हमारा उद्देश्य भी यही है कि किसान आत्मनिर्भर बने, किसान सक्षम बने, और देश का किसान यदि सक्षम होगा तो देश सक्षम होगा। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं सब कामनाओं के साथ मैं ये चाहता हूं कि आप जो है कम अपनी लागत करें और अधिक उत्पादन करें, और यही उद्देश्य के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है। यदि आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।